दोस्तों, मैं विकास गौड़। आज तारीख है किसान भाइयों 4 नवंबर 2024। इस समय मैं हूं अलीगढ़ आलू मंडी में और मेरे साथ हैं ये हमारे नौसे भाई। जानकारी लेते हैं इनसे। तो नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। गुड भाई, नमस्कार। तो सबसे पहले तो नौसे भाई ये बताइए, आज जैसे त्यौहार के बाद आज क्या हालचाल है? सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को त्यौहार की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, दीपावली की। बहुत बहुत सबको मुबारक हो। और अब जैसे हाल चाल क्या देखने को मिलना है? देखो, दो दिन मंडी बंदी भी रही थी जी, और आज मंडी खुली है, थोड़ी स्लो चली है, लेकिन यह है कि हाल बुरे नहीं है। आलू इज्जत के साथ ही बिकेगा। ऊपर मैंने शुरू से कहा है कि आलू में घबराने की जरूरत नहीं है, और किसान लोग बेचते जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं ये लोग। बढ़िया बेच रहे हैं तो मजा आ रहा है। बस बस, सबसे बेहतरीन ये चीज़ है जो आज ये बाजार बना हुआ है, तो बेचने में मजेदारी है। 10-20-50 रुपये बढ़ गए हैं, लेकिन बेचते हैं, रोके नहीं बस। अच्छा, आज मैं आपसे कुछ जरूरी सवाल करूँगा जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप तो खुद कोल्ड में भी जाते हो, कोल्ड में आपका 3-4 कोल्डों में काम चलता है जी, तो और बड़े बड़े कोल्ड हैं 3-4। तो मुझे एक बार बताइए, ये खबर आ रही है, हमारे अलीगढ़ की खबर उड़ाई जा रही है कि शुगर फ्री 30% आलू बचा है। ये गलत रिपोर्ट दी है किसी ने भी, दिया इतना आलू नहीं बचा। 30% नहीं, मतलब नहीं, मुश्किल से देखो मेरे निगाह में मुश्किल से खिंच के बिके तो 20% मान लो, और नीचे मानो, और नीचे 20 तो 20-20 जो 1-2% बस, मैं तो 20 नहीं बैठेगा पूरे में। 15% का मेरा हटिया, 15-16% मान लो, 17-15 मान के चलो, पूरे अभी पूरे महीने आलू चल जाएगा, और इज्जत के साथ बिक रहा है, बिक जाएगा, सब घबराने की बात नहीं है, कोई घबराने इतना नहीं है। 30% गलत रिपोर्ट है, गलत रिपोर्ट है। हाँ जी, और हमारे पास तो रिपोर्ट ही कुछ, हम और कोल्डों में भी जाते हैं, देख के आते हैं किस कोल्ड में कितने कितने जी। हाँ, और अभी तुम 10 दिन बाद सुन लेना कोल्डों की क्या स्थिति रहेगी, बिल्कुल ही खाली दिखेंगे तुम्हें। 10 दिन बाद देख लेना कितनी फास्ट लोडिंग हो रही है, लेबर अभी आएंगे कोल्ड में, देखना तुम अब आलू कितनी फास्ट निकलेगा हमें मालूम है। तो अब जैसे त्यौहार पे तो बिक्री हुई ना आपके यहाँ पे, त्यौहार पर ऐसा होगा कमी चला दे, लेकिन अब बिक्री अब खुलेगी, अब त्यौहार होकर चुका है, और त्यौहार से पहले खूब बिके आलू, ऐसी बात नहीं है, त्यौहार से पहले बिके। हाँ, पहले बिके। अच्छा, एक बात और है कि जैसे त्यौहार के बाद कुछ लोग जैसे आ जाएंगे, तो अब कल से शुरुआत होगी, जो ऐसे त्यौहार बना के चुके हैं, देखो एक दो दिन तो लगते हैं, सारे लोग खाली बैठ हुए हैं, अब ये कल से परसों से बिक्री शुरू हो जाएगी। तो आज तो दिल्ली ने भी कमाल कर दिया, दिल्ली में 110 गाड़ियाँ, लेकिन मध्य नहीं बिके, 10-20-50 रुपये महंगी बिके, महंगी बिके, सब आलू में तेजी है दिल्ली में, सब पे चारों तरफ, ये दिल्ली से मतलब नहीं है, बम्बई जयपुर कहीं पर भी देख लो, कहीं पर भी देख लो। अच्छा, एक और बात है भाई, जैसे मतलब दिल्ली मंडी में अभी बहुत लोग नहीं गए, जैसे हमारे गाँव में जो दिल्ली में जॉब करते हैं वो आज जाएंगे लोग, वो छुट्टियों में चले गए, वो लौट के जाएंगे तो और बिक्री बढ़ेगी, और बिक्री बढ़ेगी, और बिक्री बढ़ेगी, मतलब आने वाले टाइम में अगर 700 गाड़ी भी आती है सब बिक, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका बैलेंस बढ़ा दिल्ली में कम से कम 14-15 घंटे, कल देख लेना कितनी रिपोर्ट मिलेगी, कल तो आधा भी नहीं मिलेगा, साफ दिखेगा, साफ दिखेगा, और ये बैलेंस साफ होना बहुत जरूरी था, हो चुका है बिल्कुल। और दिल्ली में देखो 2 गाड़ी नई मंगाई गई है, लेकिन उससे बड़ा फर्क नहीं है, रेट हाई भी है, 2200 रुपये बिके, 2200 रुपये बिके, 2000 से 2200 तक के बिके, 2200 रुपये बिके, और जो नए आने से 50-100 रुपये इस पे बढ़ेंगे, देख लेना पुराने पे, मतलब ये मद्दा नहीं बिकेगा, नए आने से पुराने पे कैसे बढ़ेंगे, इससे बिक्री खुलेगी देख लेना तुम, उसको अभी ज्यादा कोई नहीं पकड़ेगा नहीं को। अच्छा, हाँ, 2200-2000 का काफी महंगा होता है, लोग बाग अभी पुराने पे इंटरेस्ट लेंगे, तो यही बिकेगा, अभी जैसे चिप्सन ये सबसे बिकेगा ही पूरे महीने, चिप्सन वाले के लिए तो इस समय जैसे मजे आने वाले हैं, 12 तारीख से साय शुरू हो जाएंगे, हाँ, सालक भी शुरू हो जाएंगे, बिक्री खुल रही है, अब हिंदुओं में और शुरू हो जाएंगे, पूरे महीने चाहिए, अभी हमें नवंबर पूरे महीने चाहिए, पूरे नवंबर चाहिए, पूरे नवंबर चाहिए, ये बात तो है। अच्छा नौशी भाई, ये क्या है, ये जूट में मंगाया है, ये चिप्सोना था, ये नया मंगाया था मैंने, हल्द्वानी चला था ना ये हिमाचल, हाँ नया था ये, अरे एक पैकेट बचा है ये 21 पैकेट का मफरत हुआ इसका, था इसका मतलब चोकल तो बहुत टाइट है, ये चोकल है हिमाचल का है, ये पंजाब नहीं है ये। अच्छा, हाँ, मतलब ऊना होशियारपुर नहीं है, हिमाचल ना, हाँ हिमाचल का था ये, हल्द्वानी आया था दिल्ली में और आगरा में आया था ये। तो ये क्या रेट है ये इसका, ये महंगा बिका था भाई साहब, ये पहले दिन बिका था ये 50 रुपये किलो, कांटे पे लगा था ये, आपने 50 रुपये किलो जी, जी, है, कांटे पे पैकेट जी जी, कांटे पे लगा था। तो कितने पैकेट मंगाए, ये मैंने 21 मंगवाए थे, ज्यादा नहीं मंगवाए 21। मुहूर्त क्या है, मतलब मुहूर्त क्या था, वैसा पंजाब की अभी मांगने की डिमांड आ रही है, लेकिन अभी नहीं, 1 हफ्ते बाद मांगे पंजाब, 1 हफ्ते बाद जब आमदनी बढ़ जाएगी तब मांगे, वैसे अभी अपने पुराना ही बेचेंगे, अभी 15-20 दिन तक हम अपना पुराना ही बेचेंगे जी, अभी नए में नहीं लगे, बाद भी अगर आप मंगाओगे तो वही 2000 से नीचे बिकेगा ही नहीं, अभी 1.5-2000 से नीचे तो आने ही नहीं है, अभी 10 दिन तक का तो नाम ही मल्लो, उससे कम नहीं बिकना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना ये जब तक इज्जत के साथ बिकता रहेगा ये एंड भी हो जाएगा इसका। नौशी भाई, आपने एक दिन बताया था जब दिल्ली में 50-60 गाड़ी आती है तब हम मुहूर्त करते हैं, तब मुहूर्त करते हैं, मुझे नहीं लग रहा है 1 हफ्ते में 50-60 गाड़ी आ जाएंगी दिल्ली में जी जी, कम से कम अभी 15 दिन का समय लगेगा आराम से। तो अब जैसे आज जैसे हम बात करें, बिक्री बिक्री आज कैसी है, बिक्री थोड़ी स्लो है लेकिन ऐसा है कल से बिक्री स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि अभी त्यौहार हो गए। अच्छा, रेट की बात करें तो आज का क्या भाव चिप्स, देखो रेट तो वही मान के चलो बढ़ गया, चिप्स होना 1100 रुपये की बिकी, 1100 रुपये जी जी। अच्छा, और जैसे किसान के दाम 1100, गुल्ले बिके बढ़ गया 1000 रुपये के, मतलब 20 रुपये किलो,
यानी आज भी गुल्ला 1000 रुपए, आज भी और 50 रुपए महंगा मान लीजिए। किर्री भी मतलब महंगी बिकी है, जो 500 बिक रही है वो 600-650 तक। अच्छा, एक बार बताइए नौशी भाई, एक बहुत छोटी सी बात है, अगर बाई चांस आलू कोल्डो में अभी 25 या 30% होता तो ये रेट आलू का मिल जाता अभी जो मिल रहा है? ना 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 ना, फिर तो मामला देखो संकेत कर रहा है कि आलू कितना कोल्डो में, ये डराया जा रहा है किसानों को। अच्छे रेट है, देखो मैं कहता हूँ किसानों का खुद नशीब है जो ये गया 5-6 महीने से एक सौ रेट चलू आ रहा है। 6 महीने नहीं, 7-8 महीने, 6-7-8 महीने, सही बात है बिल्कुल। और अभी रेट, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, हमें खत्म हो जाएगा भिक्षा का, बस निकाल लें बेचते रहे, रोक नहीं। और मैं तो ये कह रहा हूँ हाइब्रिड वाले किसान तो बिल्कुल बेच रहे हैं, उनको तो बेचना चाहिए, हाइब्रिड तो रोकना बेकार है, बेकार है वो तो। अब सबसे पहले हाइब्रिड ही बेचे बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे डिमांड आने वाले समय में कौन कौन से आलू की रहेगी आपके पास? चिप्सोना की रहेगी, मतलब पूरा चिप्सोना दिसंबर एंड तक चिप्सोना की डिमांड रहेगी। चिप्सोना जी जी, T7 की कुछ दिन रहेगी, ये खत्म हो जाएगी, चिप्सोना एंड तक चलेगा। तो चिप्सोना आप कौन से समय? चिप्सोना सालक भाई साहब पूरे नवंबर चाहिएगा, उसके बाद भी चाहिएगा। अच्छा, अगर उसकी डिमांड रहेगी उसके बाद भी हम ढूंढ ढूंढ के मंगवाएंगे दिसंबर तक जी। अरे तुम्हारे दिसंबर तक बता रहा हूँ, हमने बेचे हैं ना, दिसंबर में कहाँ से आएगा? बेचेंगे, आज कोल्ड में जा भी रहे हैं, पता लगा के बेचेंगे, जब तक इसकी डिमांड रहेगी ढूंढ ढूंढ के मंगाते रहेंगे हम। अच्छा अच्छा, एंड करेंगे इसका। तो अब जैसे बात करें 37 रुपए वगैरह, क्या रेट? 37 बढ़ गया, 1000 रुपए के बिकेंगे। अच्छा, और चिप्सोना 1050 से लेके 1100 तक। तो ये तो अगस्त में जो रेट था उससे भी, लेकिन ऐसा है कुछ दिन में पैसे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अभी और मंडियों में तो बढ़ गए, अपनी मंडी में भी यही पोजीशन है। अब कल से मालूम पड़ेगा, लेकिन कल परसों तो मालूम चल जाएगा बिल्कुल, जब ग्राहकी बढ़ेगी तब मालूम। हाँ, अभी तो यही पोजीशन बनी है फिलहाल। और मतलब आज आलू कैसे ज़्यादा दिख रहा है? ऐसा था, लेबर वेबर नहीं थी कोल्ड में, हमने पहले से मंगा के रख लिए थे ये। अच्छा, तो इसलिए अभी 1-2 दिन में बिक जाएंगे सब, मतलब लेबर ना होने के कारण। हाँ, पहले से हमने मंगवा लिए थे, पहले कोल्डो से लेबर चली गई। अच्छा, और 1000 रुपये बिक्री कम हुई, बिक्री कम हुई, आलू दिख रहा है। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात है ये तो। और बताइए नौशी भाई, जैसे अभी जैसे हमारे यहाँ पे तो बड़ी दिक्कत आ रही है कि कहीं आलू जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो लोग बागों ने बहुत जल्दी लगाई आलू वाले अपने यहाँ पर भी, जो कि मौसम खराब थे, कुछ बस सुनने में आ रहा है कि बीज सड़ चुके हैं जी, और खेतों में भी शिकायत आ रही है जो बिगड़ चुके हैं खेत लोग बागों के। अच्छा अच्छा, आपके पास तो खबर आ रही होगी कोल्डो में बोली अभी लगेंगी? हाँ जी, बोली लगेंगी। अच्छा, कम से कम अभी 3-4 बोलियाँ लगेंगी लगेंगी तो जहाँ पर माल है वहाँ पर लगेंगी बोलियाँ। तो मतलब ये टाइम तो अब बढ़ गया, आगे बढ़ा दिया 15-20 दिन का सुना मैंने, टाइम 15-20 दिन। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, 15-20 दिन। मशीनें भी चला रही हैं कोल्ड वाले, की बातें चल रही है मशीनें भी। अच्छा, तो बढ़िया बात है। अच्छा नौशी भाई, एक बात और बताइए, अब जैसे कोल्डो में आलू है उसमें किसान का ज़्यादा है कि? देखो ये साल तो किसानों की व्यापारी की नहीं है, किसानों के माल अब भी रह गई, कुछ उनके रह गए जो जो सबसे जो एंड में एंड करना चाहते हैं, जो हर साल एंड करते हैं, किसान भी बेचारे रिक्स लेते हैं, कुछ उनके आलू बड़े बड़े किसान हैं, देखो उनकी तो हमने शुरू से क्या, छोटा किसान उनकी रिक्स नहीं करा, वो तो हर साल रिक्स लेते हैं, या तो मद्दा या थे, उनको रिक्स लेने की आदत है। एक बात और बताइए, जून जुलाई में ऐसा लग रहा था कि शुगर फ्री फंसेगा? ना ना ना, ऐसे कुछ नहीं हुआ, ऊपर वाले ने फ्री सबसे आगे है, इज्जत के साथ निकलवा दिया। अब झूठ में घबराने की बात भी नहीं है, जो कुछ बचे हुए ये भी इज्जत के साथ निकल जाएंगे, अपने बिन मद्दा होना। एक बात है, जब तक आगरा में तेजी नहीं आएगी 300-400 रुपए की, जब तक मजा नहीं आएगा। देखना वहाँ पर भी बन जाएंगे, मैंने बताया वहाँ पर भी 150 रुपए बढ़ेंगे आगरे में, बिल्कुल बिल्कुल सब चलेगा, कानपुर वानपुर सब, बिहार बिहार सब। चलो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है नौशी भाई और जानकारी देने के लिए। तो नमस्कार जी। नमस्कार। तो किसान भाइयों, जो आप देख पा रहे हो लगभग इनके पास काफ़ी आलू देखने को मिल रहा है, इसमें से इन्होंने लगभग अभी काफ़ी आलू बेच भी लिया है। तो अलीगढ़ मंडी का हाल देख पा रहे हो, आज भीड़ भाड़ कम देखने को मिल रही है क्योंकि ग्राहकी कल से खुल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।